अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर महिला सुरक्षा समिति के साथ बैठक की गई, जहां महिला सुरक्षा संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं जैसे मिशन शक्ति यूपी 112, वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090, उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्विटर सेवा व महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इसके अलावा थाना बैरिया में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर विपिन तादा द्वारा तथा थाना रसड़ा में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिलाओं के लिए पिंक चौकी का उद्घाटन भी किया गया, जो महिला थाना की देखरेख में महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करेगी। यहाँ हमारे कॉलेज में एसएसटीपीडी कॉलेज सुधीष्टपुरी में, वहाँ भी एक आकांक्षा उपाध्याय जी हैं, वो पूरे कोरोना काल में यहीं रह करके उन्होंने कॉलेज पूरा हेल्प किया और उनकी प्रशंसा हमारे प्राचार्य होने का प्रदान की। दूसरा, चुनौती को स्वीकार करके हम परिवर्तित हो जाते हैं और जब हमारे यहाँ एक भेद था, जेंडर भेद था, इस चूज टू चैलेंज में ये भी टीम है, ये भेदभाव एक असमानता को हम कम करें, स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव होता है हमको आगे बढ़ना और बच्चियों को जागरूक करना है, साथ में बच्चों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि इस भेदभाव को समाप्त करें और तब जाकर के हम बेहतर फल दे सकते हैं, जिसमें एक कड़ी। आज हमारी कोतवाली परिसर में जो चौकी का उद्घाटन था वो किया, जिससे इस चौकी को यहाँ स्थापित करने का यह है कि बैरिया जो है जनपद मुख्यालय से काफ़ी दूर हो जाता है और यदि कोई महिलाओं की समस्या हो तो उन्हें मुख्यालय तक आना पड़ता है महिला थाने के लिए या हमारे पास अधिकारियों के पास, इसकी बजाय ये चौकी यहाँ स्थापित की गई है। एक महिला इंस्पेक्टर को भी यहाँ तैनात किया गया है, जो महिलाओं की समस्याएं होंगी वो वही महिला इंस्पेक्टर सुनेगी और उनका अलग से लिखित पड़त में अलग से होगा, कोतवाली से अलग उनके कार्यालय चलेगा, ताकि जो महिलाओं की समस्या है वो महिला पुलिसकर्मी ही सुने और उनके द्वारा ही उस समस्या का निस्तारण करवाया जाए। यदि फिर भी कोई ज़रूरत पड़ती है कोतवाली की मदद की तो महिला चौकी द्वारा कोतवाली की मदद दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं हैं उनको यहां से मुख्यालय न आना पड़े अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए और